नमस्कार बच्चों, अगले वीडियो में सभी बच्चों को स्वागत है। आज ये ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट में यूनिट 5 का 5.6/27 इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आज दूसरा होगा। दूसरा का देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भिन्नों का घटाव, भिन्नों को घटाइए, नीचे जो भिन्न दिए हैं उसे घटाना है। कैसे घटाएंगे देखेंगे। सबसे पहले क्या है, एक बटा दो घटा एक बच्चा, तो हर जो दो और चार का है वो लसन निकालेंगे, दो और चार का लसन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो दो का पढ़ा लिखेंगे, दो दस कम दो, दो दिन चार, दो दिए छः, इस तरह। और फिर चार का भी चार कम चार, चार तुमने आठ, तो देखेंगे कि सबसे पहले कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो ये चार क्या हो गया, एलसीएम हो गया, चार लसन हो गया। अब यहाँ आगे क्या करेंगे, अंश एक ऊपर में है, एक कितना से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में भी होगा। दो का जब टेबल पड़े तो दो बार गए थे, यानी दो तूने चार गए थे, तो यहाँ एक का भी दो बार पड़ा पड़ेगा, यानी एक का दो से गुना होगा, दो का दो से गुना हुआ है तब चार हुआ। तो एक को दो से गुना करेंगे, फिर माइनस, यहाँ भी देखेंगे चार एकम चार हुआ है, चार पहली बार आया है, अंश कितने गुना होगा, ना एक से ही गुना होगा। अब आगे क्या होगा, दो एकम दो और दो घटाओ एक बट्टा में चार, आंसर कितना हो गया, एक बटे चार, ये आंसर हो गया। अब आगे दूसरा सवाल, यहाँ देखेंगे पांच का तल एलसीएम लेंगे तो आपका हो गया 35। जैसे यहाँ एलसीएम निकाला है तो ऐसे ही एलसीएम यहाँ निकाल लेंगे, आपको समझ जाएंगे। पांच बटे 35 हुआ है, यानी 3/7 गुना होगा तो अंश होगा ऊपर का, और 7 × 35 तो 2×5 इजकल टू 21 − 10 बटा 35 इजकल टू 11/35 आंसर हो गया, 11/35 आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखेंगे, पूर्णांक को हर से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ कितने त्रिभिन्न में, तो 3×5 = 15 प्लस में वो हर को जोड़ना है, बट्टा में हर ही रहेगा, घटा 3 और 4 गुना होगा तो 12 लिख के करेंगे, 4 किया हुआ 12 तो लिखते भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, 4 किए 12 + 1/3 इसका तो कितना हो जाएगा, या 15 × 2 = 17 हो जाएगा, बट्टा में 3 पदा या माइनस है, और 12 × 1 = 13 हो गया, यहाँ 13/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 रुपये का एलसीएम हो जाएगा, 3 ऊपर 17 − 3 ही रहेगा 13 बराबर में हो गया 4/3 आंसर। अगला चौथा सवाल देखेंगे बच्चों, 2 और 5 का लसन निकालेंगे तो होगा 10। अब 2 × 10 यानी ऊपर में 5 आएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, 2×10 = 5 लिख दीजिए, फिर गुना में दो को काट दीजिए, घटा 5 × 2 = 5 × 10 = 2 गुने में काट रह जाएगा, यानी हुआ कितना, 2×45 और 2×7 = 14 बच्चा में 10, यानी बच्चा कितना, 45 × 14 घटा देंगे तो 31/10 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के लिए एलसीएम 4 और 5 का 20, यहाँ 4×5 = 20 आएगा, 15 का 15 = 17 माइनस 5×20 यानी 4×17 उत्तर जाएगा इजकल टू 15×75 घटा 17×68 / 20 यानी 7/20 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लास्ट सवाल, 3×24 जिसको आप ऐसा भी ले सकते हैं कि हर जो है हर गुने गुना जोड़ 1
बटा में हर और घटाव जो है ये बटा का होता है इक्वल टू 8 3 24 प्लस 1/8 घटा 6/4 आगे देखिए कितना हो जाएगा 24/1 25/7 घटा 6/ ये 25/8 25/8 हो रहा है और घटा 6/7 इज इक्वल टू 8/11 हो गया 56 8/56 तो यहाँ क्या है क्योंकि ये 7 जो है अभाज्य नंबर यदि है कोई भी तो 7 यहाँ 8 के साथ पूरे गुणा कर देंगे एलसीएम फिर 8/56 ऐसा भी एलसीएम लेने की चाहिए और फिर यहाँ क्या करेंगे नीचे 25/27 का मान लेंगे यदि कोई भी एक दो भिन्नों में एक भिन्न का हर यदि प्राइम नंबर हो अभाज्य में जाओ तो ऐसा करना 25/27 और 8/56 माइनस है माइक्रोस से बोल रहे हैं यानी डायगनल डायगनल जो है गुना कर देना है अब क्या हो जाएगा 8/48 के बाद एंटर हो जाएगा तो 173 में 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75 में 48 127 बटे 56 आपका एंटर हो जाएगा ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरा का कंप्लीट सोल्यूशन पूरे क्वेश्चन नंबर दूसरा का कंप्लीट हो गया पुनः वीडियो को देख करके समझ सकते हैं मैं समझाऊंगा तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं चलिए धन्यवाद थैंक यू।